किचन में इतनी उठापटक हो गई। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, सब लोग अपनी अपनी बात कर रहे थे लेकिन सुमन ने एकता की बात की। यहां तक कि उसने कह दिया कि सबका खाना मैं बनाऊंगी। महाराज तो बाद में आया। एक बात तो कहनी पड़ेगी, प्रांजल और सुमन में बहुत फर्क है। कहां सुमन और कहां प्रांजल। मुझे तो लगता है सुमन को ठुकराकर लक्ष्मी ने बहुत बड़ी गलती की है। आप क्या कहते हैं राधिका? तुम्हारी यही आदत बहुत खराब है। अरे जरा सी अच्छाई देखी नहीं कि बस तुम तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देती हो। हाँ आदत है तो तुम्हारी आदत तुम्हें किसी दिन मुसीबत में डाल देगी। अरे भाई हालात बदल गए हैं, कौन अपना और कौन पराया, सबके अपने अपने बेटे हैं, सबके अपनी अपनी बहुएं हैं। मेरे आगे तो तुमने सुमन की तारीफ कर दी लेकिन किसी और के आगे मत करना, वरना लोग ये कहना शुरू कर देंगे कि इसकी बहू की तारीफ कर दी और उसकी बहू को बुरा कह दिया। ये आपको क्या हो गया है जी, आप ऐसी बातें कब से करने लग गए? ये दूसरा बेटा दूसरी बहू, मैं पूछती हूँ आपके दिमाग में ये बातें कब से आने लग गई? सब लोग बदल गए राधिका लेकिन तुम नहीं बदली। बहुत भोली हो, हर इंसान को शायद ऐसे ही होना चाहिए। मुझे माफ कर दो राधिका, बच्चे चाहे जो कुछ भी करें उनकी वो जाने, लेकिन मैं तो घर का बड़ा हूं, मुझे ऐसे सोचना भी नहीं चाहिए। पता नहीं ऐसे गलत विचार मेरे मन में कैसे आ गए। इसका बेटा उसकी बहू, मेरा तेरा हमारा कहां चला गया?